खवातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अल्फा टॉक्स में आपको वेलकम करता हूँ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि हमारे 5% केसेस जो हैं वो जेनेटिक हैं। इसका मतलब है 95% ऑफ द केसेस ऑफ हार्ट डिजीज़ आर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जहाँ हमें सनलाइट, जहाँ हमें एक्टिविटी, जहाँ हमें गुड न्यूट्रिशन चाहिए, वहाँ पर वी आर हैविंग ओवर प्रोसेस्ड फूड्स, वहाँ पे वी आर एक्सट्रीमली इनएक्टिव एंड द ट्रिप्स दैट वी टेक आर इन आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड कार्स। इन दिस टाइम एंड एज आर्टिफिशियल एक्सरसाइज हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। जिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव दीज पीपल कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, दीज बॉडी बिल्डर्स विद मसल्स। टुडे वी आर टॉकिंग टू वन ऑफ दम। आई वेलकम यू मिस्टर अली रजा। Ali Raza, to Alpha Talk. Welcome to Alpha Talk, Ali. Thank you so much for having me, Babar bhai. Ali, मुझे ये बताएंगे कि अक्सर लोग जिम ज्वाइन करते हैं या वो पिटे होते हैं, बुली हुए होते हैं, या उनका दिल टूटा होता है। आपकी क्या स्टोरी है? यार मेरी स्टोरी, आई फील लाइक मैं ऐसा ये एक दो बार बता चुका हूँ, आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल को अभी भी नहीं पता, मेरी यही थी आई थिंक यार बंदे दिल टूटा था या पिटे थे, बस इतना बता दे। पिटा था मैं बहुत कमज़ोर था, आई वाज वेरी वीक एंड स्कूल लाइफ भी मेरी वाजंट एग्जैक्टली द बेस्ट बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली वीक। व्हेन यू वीक यू आर एन इजी टारगेट टू बी पिक्ड ऑन। तो ये हुआ एंड फिर इवेंचुअली आई थिंक एक टाइम आता है कि इंसान रियलाइज करता है कि यार कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आप खुद ही कर सकते हैं कुछ, यू नो। तो दैट रियलाइजेशन केम टू मी व्हेन आई वाज 17। जब मैं 17 साल का था तो मुझे फील हुआ कि यार ये सब तो मेरे हाथ में ही है, अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो फिर ऐसे ही रहना होगा, या अगर रोने से बेहतर है कि यू नो कि व्हाई एम आई लाइक दिस कि मैं कुछ एक्चुअली करूं। एंड दैट इज़ व्हेन आई डिस्कवर्ड फिटनेस। आई थिंक कोविड वाज इट वाज गुड फॉर सम पीपल, ऑब्वियसली वाज बैड फॉर सम पीपल। तो आई थिंक मेरे लिए पर्सनली वाज ऑन द गुड एंड बिकॉज कोविड में आई डिस्कवर्ड अ पैशन फॉर फिटनेस। बड़ा कमज़ोर था उस वक्त एंड क्योंकि लॉकडाउन था, जिम तो खुले हुए थे नहीं, मगर यहीं पे बात आती है देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो बस घर में कोई 50 किस्म के पुशअप करना शुरू किए, सही है 2 kg के डंबल थे उनसे कोई 50 रेप्स आगे पीछे, हर किस्म की मैंने यूट्यूब पे जाना एक्सरसाइज विच वाज पॉसिबल विद डंबल्स मैंने कर ली थी एंड उसी से शुरू किया। देन आहिस्ता आहिस्ता जिम ज्वाइन किया एंड देन वही एक बात, बस एक सॉर्ट ऑफ एक एस्केप मिल गया था मुझे बिकॉज जिम में एक बहुत यू नो अलॉट ऑफ पीपल who basically joined the gym now for reasons like maybe you know they want to get girls or maybe they want to look attractive ya unko hota hai ki you know ke I think girls is probably mostly yahi reason hota hai unka and isliye phir you know they aren't even able to be consistent is because ye aise reasons hote na us pe aap nahi kar pate. If you enjoy the process, like if you go there you're having fun, is the only way you're going to be consistent. To ye wali cheeze hoti hai, aap ek hafta karoge, do hafta karoge, teesra hafta aap bologe you know nahi chahiye mujhe. 17 is really early, Ali. 17. Definitely, it was early, but I also feel like it's the perfect age though. कुछ लोग कहते हैं 18 best होती है, मुझे feel होता है 17 is like the best because then 20s में आके then अगर आप 17 से 20 तक कर लेना तो फिर आप एक अच्छे point पर आ जाते हैं. If you're obviously you do things right, you know आपके बीच में breaks नहीं हैं, आप सही से train कर रहे हैं, सही से खा रहे हैं, you're sleeping well, 17 is the best age, obviously in my opinion to start. So nutrition, training and recovery is what we talk about here at Butch Athletics. Okay. इसमें at the age of 17 हमने तो यार देखा है people of all ages जो आते हैं they quit really quickly after they join the gym क्योंकि उनको वो results foreign नहीं मिलते. In this day and age जहाँ पे एक button पे आपको हर चीज़ मिल जाती है and you basically are able to get whatever you want as soon as possible. How was it? How do you get the patience to be able to do keep going to the gym? Mera tha ke I knew that this was like a long process, sahi hai, because in my family my uncles they work out, acha my cousins they work out as well, so I've grown up around like bodybuilders, so I was always like fascinated by you know ye kis tarah karte, like how do you even transform your body, like it's beautiful. But I think the best way to put it is ke mujhe jab realize hua na ke main jo kar raha hu sahi kar raha hu, इज़ आई थिंक 3 महीने में मैंने जब पहली बार देखा था ना, मैंने कहा छोटी छोटी इंसर्जन आना शुरू हुई थी एंड हल्की हल्की वेन्स आना शुरू। ये हम कोविड की बात ही कर रहे हैं, कोविड की बात, अभी कोविड और 2 kg के डंबल्स की बात कर रहे हैं जहाँ से इंसर्शन आनी शुरू हो गई। यस, देयर वाज, आई वाजंट, कोई मेरे पास कोई स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक देयर वाज अ डॉग इनसाइड ऑफ मी
जो बस कह रहा था कि यार अब बस जिंदगी बदलनी है बिकॉज खैर एक सेकंड था तो जब वो इंसर्जन आना शुरू हुई ना, मैंने कहा यार ये 3 महीने हुआ है, वो भी मेयर इक्विपमेंट नथिंग, आई लिटरली हैड नथिंग। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग यार अली रजा, अगर तुम एक साल तक करो तुम सही जम जाओ फिर क्या होगा। जस्ट दैट थॉट ऑफ ओ माई गॉड व्हाट्स पॉसिबल just kept me going. Then I was like, you know what, oh, I think there's like enough time now. Like this is after like 4 months in of me just doing push-ups, sirf push-ups kar raha hu and 2 kg ke sath kar raha hu. Phir main jab gym gaya hu na, honest to god it was weird because I felt like I was already stronger than half the people in the gym. Like mujhe ek boost feel hui thi jab mujhe achhi equipment mili. I started benching, I was already like benching 40 kgs which was like insane for me because usse pehle jab main usi gym gaya tha मुझसे बार भी नहीं उठता था। मेरी अभी भी एक पिक्चर है मेरे पास इसमें मैं बार के साथ खड़ा हूँ, मुझसे बार नहीं उठ रहा 20 kg का। एंड इट वाज जस्ट वियर्ड टू मी बिकॉज आई फेल्ट लाइक यार जो सारी मैंने ट्रेनिंग की थी इवन दो वो कोई इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था, अगर मैं अभी देखूँ तो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बट इट डिड वर्कआउट बिकॉज मैं कुछ ना कुछ कर रहा था। तो इट्स ऑल अबाउट डूइंग समथिंग रादर देन डूइंग नथिंग। एट द एज ऑफ 17 गाइडेंस कहाँ से मिली? डिड यू सी यूट्यूब ट्रेनिंग वीडियोस? वर योर अंकल्स हेल्पफुल? अच्छा गाइडेंस ट्रेनिंग में आई'd से अंकल्स वरंट एग्जैक्टली दैट हेल्पफुल बिकॉज अंकल्स को भी नॉट टू पुट देम ऑन ब्लास्ट इफ दे सीइंग दिस, उनको भी इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने यूट्यूब वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी। रीडिंग आर्टिकल्स यार सब कर सकते हैं, आई फील लाइक सोशल मीडिया के ज़माने में तो लाइक पर्सनल ट्रेनिंग यस इट हेल्प्स, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है अगर आप खुद करना चाहें ना कुछ भी हो सकता है। आप अपना फ़ोन खोलें आपको 50 आर्टिकल मिल जाएंगे, 50 वीडियोज़ मिल जाएंगी डिफरेंट एंगल से, क्या करना है कैसे करना है क्यों कर रहे हैं। You know, there's so much information out there. It's just that you need to go out and look for it. But aapke khud plate mein to nahi aayegi, you know. The pessimists around us say ki yaar jitni information hai wo sara galat hai. Zyadatar log internet pe jhoot bolte hain. Aap logon ko follow karenge to log aapko basically formulas denge to get jacked quickly. Aur ye sab jhoot hai. This is what people say. Yeah, to this I'd say ki is tarah to agar aap WhatsApp पे देखेंगे, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स होते हैं इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे भी फॉल्स होती है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर, दैट्स द थिंग विद सोशल मीडिया, द गुड कम्स विद द बैड, लाइक यू नो बैलेंस जरूरी होता है। तो वो आपको नेविगेट करनी आनी चाहिए। यू ऑल्सो नीड टू सी के सोर्स क्या है, क्रेडिबल सोर्स है, कहाँ से आ रही है। अब ऑब्वियसली अगर एक बंदा है हुआ हैज़ लाइक मल्टीपल सर्टिफिकेशन हैं, यू नो ही लुक्स द लुक, ही टॉक्स द टॉक, तो यू नो वो जो बोलेगा फिर आपको खुद भी फील होगा ये बंदा सही बात कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर कोई बंदा है यू नो उसका वो डिमीनर नहीं है, उसको बात करनी नहीं आ रही है, वो बस बोल रहा है कुछ ना कुछ, आप खुद उसको आपको एक आइडिया होता है एक सेंस, यू नो लाइक यू कैन समटाइम्स टेल। आई थिंक आई गेस होंगे ऑब्वियसली कुछ लोग जिनको नहीं होता आइडिया, वो शायद मे बी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, गलत इन्फॉर्मेशन में आ जाते हो, विच इज ऑल्सो वाई अगैन यू नीड टू बी केयरफुल यू नो नेविगेटिंग इन्फॉर्मेशन। उस सेंस में आई फील लाइक मैं थोड़ा आई गेस मैं थोड़ा स्मार्ट था कि मुझे आइडिया हो गया था कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन सही आ रही है कहाँ से गलत आ रही है। एंड देन trial and error obviously bahut important, you must have made lot of mistakes along the way. 100% my biggest mistake that I made jo mere uncles ne bhi ki thi was skipping legs. Skipping legs was the biggest mistake I made, and I think as Pakistanis ye meri recently bhi kisi se baat bhi ho rahi thi, hamari fundamentally legs jo hai na kamzor hoti hain because unlike gore who are you know bahar jo bhi rehte hain unki lifestyle mein yaar unko bar bar aapko groceries leni hoti hai, ab kya karta hai, मैं गाड़ी में बैठ के एसी ऑन करके म्यूजिक सुनता हुआ जाता हूँ और ले आता हूँ। बस उनको करनी होती है क्या कहते हो, साइकिल पकड़ लेंगे, वो वॉक करेंगे, ये सारी प्रिविलेजेस हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान। सो वी गेट अकस्टम टू सच अ लग्जरियस लाइफ, यार हमें कमरा साफ करना है कोई हमारे लिए कर रहा है, हमें कपड़े धोने कोई कर रहा है, खाना बनाने कोई कर रहा है, यू नो वी हैव लाइक ऑल ऑफ दी सर्विसेज आर ऑलरेडी देयर फॉर अस, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एट अ यंग एज ये जो बच्चे होते हैं इतना साइकिलिंग का कल्चर होता है बाहर, यू नो साइकिल चला रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चों को नई फैसिलिटीज मिल पाती हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट हमारी टांगे वैसी थोड़ी वीक होती हैं। फिर मजीद उसके ऊपर फिर जब हम जिम में आते हैं, अच्छा हमें क्या लगता है कि यार बस शर्ट टाइट हो गई ना बस गेम खत्म है, दैट्स ऑल यू नीड। नीचे कौन देखता है, आई गेस इट्स राइट एज वेल, यू नो नीचे कौन देखता है, बट नीचे देखने की बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस प्रोपोर्शंस, यू नो ऑब्वियसली अगर ऊपर से इफ यू बिकम सो ओवरली डेवलप्ड है नीचे से नहीं तो बॉडी तो अजीब लगेगी ना, लाइक ये तो यू नो एक कॉमन चीज है। जॉनी ब्रावो यार, जॉनी ब्रावो। अच्छा मेरा गेम चेंजर था, मुझे अभी भी ये बात याद है, दिस इज वन ऑफ माई कोर मेमोरीज। मैं किचन में था एंड दिस इज लाइक मुझे इस वक्त अराउंड लाइक 5 महीने हो गए थे जिम किए हुए, सही है। तो मैं किचन में आया हूँ, थोड़ी बहुत ऑब्वियसली बॉडी बनना शुरू हो गई थी,
तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा यार अली रजा तुम ऊपर से तो पत्थर हो गए हो, नीचे से बिल्कुल अपने मामों की तरह टूथ पे कह दो आ रही। वो बात बाबर भाई जो मेरे दिल पे लगी थी ना, वो उस दिन बस मुझे कुछ हो गया था। मैंने कहा था यार ये अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर अगेन आई वेंट डाउन द रैबिट होल, लेग डे पे मैंने रिसर्च की, मैंने देखा क्या गेम है लेग डे का, यू नो व्हाई डू पीपल रन अवे फ्रॉम लेग सो मच, एंड देन आई फाउंड आउट यार लेग्स क्या, इट्स 50% ऑफ योर बॉडी। आप अपर बॉडी देखें 50% है, 50% के लिए आप कितने दिन देते हैं, अपर के लिए यू गिव 4 days, पीपल गिव 3 days, तो आप लेग के लिए आप एक दिन, नीचे के 50% के लिए एक दिन में कैसे होगा। दी एवरेज बॉडी बिल्डर goes to the gym 6 days a week and trains legs once and skips legs 90% of the time. Exactly, main to keh raha once bhi, you need to train them twice. That is the way. And legs ka yaar there's so many benefits Babar bhai to training legs, jo abhi bhi mere gym mein aa, main itna bol chuka hu logo ko yaar, jitne bhi mere boys hain who come to the gym, ya koi naya mujhse koi young ladka milta hai bolta hai Ali bhai you know what's the best advice you can give, train legs, they still don't take it seriously. वो बस भागते हैं, like fundamentally we're like they run away from it. मेरी first fat loss advice किसी को भी ये होती है कि आप leg press machine पे चले जाएं, and the question they ask is कि क्यों इससे हमारा, how is that going to help? Basically, the more muscle you put on, the faster your metabolism becomes. The biggest muscle in your body are your legs. Your legs, 100%. In the event that you need to train your legs, the squat pattern takes time to learn. बिल्कुल द लेग प्रेस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लेग प्रेस पे बैठे हैं स्टार्ट बिल्डिंग स्ट्रेंथ, यू गोना स्टार्ट बिल्डिंग लेग्स। मगर लेग प्रेस मुझे फील होता है पाकिस्तान में वो बस 50 प्लेटें लगा देते हैं और कोई 4 inch नीचे जाएगी और ऊपर आएगी, ये होता है। I rarely see people actually doing it properly, but again it's one of my favorite. हम लेग मूवमेंट की बात कर रहे हैं, if I can ask you your favorite leg movement, squats, barbell squats, back squats, नहीं barbell back squats. And मुझे यू नो what's सो क्रेजी कि मैं भागता था उस एक्सरसाइज से, मगर एक बार लाइक वंस यू स्टार्ट enjoying squatting ना बस यू लव लेग डे। लेग डे इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट्स नाउ, पता नहीं मैं सेडिस्ट हूँ या मुझे दर्द से। ये बहुत लोग कहते हैं कि ये स्क्वाट्स हम इसलिए नहीं कर सकते, हमें लोअर बैक प्रॉब्लम्स हैं, मेरे घुटने का मसला है, इसलिए मैं स्क्वाट नहीं कर सकता। ये तो बहुत कॉमन मैंने सुना है लोगों, आई ऑनेस्टली थिंक देयर इज जस्ट एक्सक्यूजेस। या कौन कह रहा है आपके आप 4 प्लेटें लगा के करें, आपसे बारबेल लेके कर लें, you know you just have to do it. And then as far as lower back goes, so there's always ways around it. Koi masla hai to solution bhi to uska hota hai na, uska kya belt pehne, brace karna seekhe, you know, form seekhe, technique seekhe. Maine ye cheez jo alhamdulillah I have never gone through any injury, and that's because I was also always so careful with lifts like squats, deadlift. Like maine pehle apna make sure kiya ki meri basics itni strong ho jaye ki jab main karu na to main ace karu. Aap soche, the first time I ever deadlifted was when I was 2 years in weight training, 2 years in, and फिर मैंने छेड़ी थी deadlift, because I knew कि यार मुझे अपना इतना पहले foundation strong करनी है कि जब मैं इस exercise को छेड़ू ना कोई मसला नहीं हो। आते हैं बच्चे, देखते हैं जुनूनी हो जाते हैं, इतना weight उठ रहा है यार deadlift करनी है, मैं deadlift करनी है। फिर होता क्या है क्योंकि उनकी दूसरी body parts उस वक्त इतने मजबूत नहीं होते, strong नहीं होते, अचानक से उतना weight उठा रहे होते हैं, injury हो जाती है। That is अगेन वही उसी point पर आ जाता है, जल्दबाजी इज लाइक द वर्स्ट थिंग विद लाइक स्पेशली वर्किंग आउट। जिम में तो आपको इतनी चीजें आहिस्ता, जितनी आहिस्ता लेके जाएंगे आप उतना अच्छा जाएगा। बारबेल स्क्वाट्स पे भी मैंने देखा है अक्सर लोग यही हरकत करते हैं जो हमने लेग प्रेस पे कहा है कि दे गो डाउन हाफ वे, ईगो लिफ्टिंग। बहुत सारे लोग बहुत वेट उठा लेते हैं जो कि प्रॉपरली स्क्वाट नहीं कर सकते। बिल्कुल करते क्या है, 2 चीजें मैंने देखी हैं। एक मैंने ये देखा है कि वो करते क्या है कि आधा रास्ता नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं। दूसरा वो करते क्या है, एक बंदा पीछे उनके खड़े होके उनको गोदी में लेके ऊपर उठा रहा होता है एंड वो कहते हैं 200 kgs done 100%. तो व्हाट वुड यू से टू दैट? यार टू दैट आई वुड से कि यू आर जस्ट लाइक स्ट्रोकिंग योर ईगो, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक आपको इससे क्या फायदा क्या मिल रहा है, कुछ नहीं ना, लाइक देयर इज नो पॉइंट। अगर आपको कुछ करना है तो देखिए जिंदगी में आपको कुछ भी करना है ना, दिस इज व्हाट माय फादर सेज टू मी। मेरे अब्बू ने मुझे कहा था, रिमेंबर ही वाज लाइक यार तुम्हें जो पेशा करना है करो, तुम्हें शेफ बनना है तुम शेफ बनो, तुम्हें आर्टिस्ट बनना है तुम आर्टिस्ट बनो, मगर तुम अपनी फील्ड में नंबर वन बनो। फिर लाइक दैट शुड ऑलवेज बी योर गोल, आपको जो करना है करें यार, बट जस्ट यू नीड टू बी द बेस्ट एट इट। एंड दैट इज वाई आई फील लाइक के विद दीज एक्सरसाइजेज एज वेल, लाइक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर आप किसी चीज़ पे कोई 20 kg जुटा, मतलब 2 kg से तो परफेक्ट हो जाए यार, ऐसा होना चाहिए कि आप आंखें बंद करके करें ना, आपसे हो मसल मेमोरी ऐसी होनी चाहिए, माइंड मसल कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि यू आर परफेक्ट एट इट, देन स्लोली इंक्रीज द वेट, इंक्रीजिंग द वेट इज नेवर बैड। बाबर स्क्वाट का फॉर्म परफेक्ट करते करते कितना टाइम लगा आपको? या अच्छा फनी थिंग, मुझे कोई
ऑलमोस्ट 4 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, सही है, बट अभी भी मेरे फॉर्म में थोड़ी गलतियाँ. मुझे 9 साल हो गए, मेरे फॉर्म में भी गलतियाँ. ये और ये कोई नहीं बोलेगा. No one's gonna see this, but this is real talk. I'm here to completely be transparent. Every month, मुझे लगता है कि यार now I figured it out. अच्छा, this is how you bubble squat. Every now and again, मुझे एक आके चीज हिट करती है कि यार this is the cue. Okay. And then I relearn it again. That is exactly. अभी मेरे साथ so funny you mentioned this literally yesterday हुआ है कि मेरा जो अभी who I'm training with. So what happened was while I was squatting, I found out that I overhinge, like I hinge too much, and I've been doing it for a while now. I've hit like good weight with it. मगर वो कह रहा है कि तुम्हारा एक core issue है. मुझे पता ही नहीं था, मुझे लग रहा था perfectly कर रहा हूँ. So I think another thing with like bodybuilding, especially I guess हर चीज के साथ है कि you need to have your ego जो है ना completely. भले आपकी body बन जाए, आप गलतियाँ कर सकते हैं. Like you need to always be open to learning new things, and I think that's one thing that's been very permanent, I guess, with me is कि मैं always open to new things. You know, मैं perfect नहीं, मुझे पता है यार मैं कोई 50 गलतियाँ कर सकता हूँ अभी भी. ये बहुत, और ये चीज़ लोगों को नहीं अच्छी लगती. Like मेरे साथ अक्सर एक दो बार हुआ है, मैंने किसी को बोला यार आप गलत कर रहे हैं, you know, they take offense to it. They're like, you know, why you telling us? Like मैं सही कर रहा हूँ मुझे लग रहा है. ये भी चीज़ है, I guess, that with time people are gonna learn. What do you think about that? I just think that people, again, उनको होता क्या है कि वो comparisons करते हैं, जिम में आके देखते हैं how much weight people are lifting and they want to lift that weight today. Lack of patience hai. They don't want to go through the movement. Hota kya hai, agar aap with your index fingers type karte hain and I ask you to type as fast as possible, to aap wohi tarika use karenge. Whereas if I ask you type correctly, initially it's going to take you longer to type the same amount of text. Bilkul. Initially, aap jab tarika apna badalte hain, to you're going to suck at it. जो काम आप शुरू से तरीके से करना शुरू करेंगे वो ना साकेट. आई रिमेम्बर मैं बॉलिंग करता था तो मैं ये 3 फिंगर्स यूज करता था. अच्छा, मैं भी यही करता हूँ. अच्छा, दिस इज द राइट वे, राइट? दिस इज द राइट वे. मुझे मेरे भाई ने कहा कि यार तुम सही तरीका सीख लो. आई डिड इट ट्वाइस यार, आई गॉट गटर्स. मैंने कहा नहीं यार, ये बॉलिंग का तरीका जो है ना वो ये मेरा यही तरीका सही तरीका है. एंड इवेंचुअली व्हेन आई लर्नड हाउ टू बॉल राइट, नाउ आई कैन बॉल बेटर देन आई हैव एवर बॉल्ड बिफोर. So once you adapt to the right type of typing, the right kind of bowling technique. Angle, the right technique on anything, it's going to take time, but it pays dividends, yaar. 100% I agree. अच्छा, मुझे भी बात बता दे. चले next bowling session आऊँगा. Try doing it this, like this, that. This, this way, yeah. This is the way. Yeah, even this I'm so used to doing it like this. You were talking about core strength, Ali, just a second back. What is your favorite ab exercise? Basically, you've got abs, I've heard. I've seen, in fact. थोड़े बहुत. हाँ, ये जो abs हैं, ये लोग आते हैं हमारे पास and कहते हैं हम crunches लगाएंगे सारा दिन. आप online जाके देखें तो सबसे ज़्यादा जो hit items, millions of views, Jeff Cavalier की video होगी कोई ab workout की, जिसमें वो आपको 25 to 30 minutes का पूरा एक exercise कराएगा, जिसमें cardio ज़्यादा हो रहा होता है, crunch type movements कुछ हो रही होती हैं. तो व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है यार ये एब्स? यार सीक्रेट तो सबसे पहले आई लाइक टू से एब्स सबके होते हैं. अच्छा, एवरीवन हैज एब्स, इट्स जस्ट दैट फैट होता है उसके ऊपर. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन रियलाइज दिस, कि कोई अचानक से कोई मैजिक टेक्निक नहीं होती कि देयर जस्ट गोना पॉप अप. वी ऑल हैव इट, इज दैट देयर इज लेयर्स ऑफ फैट ओवर इट. अच्छा, आई थिंक द थिंग विद एब्स इज पीपल डोंट रियलाइज कि इट्स लाइक एवरी अदर मसल ग्रुप. भाई आप लेग्स, आर्म्स, शोल्डर्स के लिए क्या करते हैं? प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू विद एब्स. एब्स की स्पेशलिटी सो दी आप क्रंचेस कर रहे हैं, you do 3 sets of 15, do 3 sets of 15 leg raises, आप plank कर लें, that's all you need. उसके बाद उसके ऊपर weight डालते रहें, आप weighted crunches कर लें, वो आसान हो गया, आप weighted leg raises कर लें, वो आसान हो गया, आप weighted plank कर लें. That's, you just need to progressively overload with it and then keep on training. Constant, आप एक चीज़ देखें, हर muscle group में यही होता है कि it takes time. Time and the volume of training that you're doing. If you're gonna keep on doing it and then eventually they're gonna come. Obviously genetics also play a role. अब वो किस तरह के होंगे ये तो जेनेटिक्स के ऊपर. कुछ के सुना है वो ऊपर नीचे ऐसे होते हैं, कुछ के सिमेट्रिकल होते हैं. सम पीपल हैव 8 packs, सम जेनेटिक फिनोमेना इवन हैव 9. हैव यू काउंटेड हाउ मेनी डू यू हैव? आई हैव 6. यू हैव 6? आई हैव 6. आई हैव 2 रियली स्मॉल वंस, आई डोंट रियली काउंट देम. उनका इतना आईडिया नहीं है मुझे इफ दे आर गोना काउंट एज वेल, बट 6 तो प्रॉपर है मेरे. एंड हैव यू एवर कट डाउन? कभी डाइट पे कंट्रोल किया हो टू एक्चुअली रिवील योर एब्स? ये मैं एक बड़ी आज खौफनाक चीज बताने वाला हूं. ओके ओके ओके, आर यू रेडी फॉर? लेट्स गो. आर यू रेडी फॉर? आई हैव नेवर ट्रैक्ड माय कैलोरीज इन माय लाइफ टू दिस डेट. मैंने कभी जिंदगी में ट्रैकिंग की नहीं है.
आप कह रहे हैं कि एब्स सबके होते हैं, बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि एब्स के ऊपर एक फैट की लेयर होती है जिसको रिमूव करनी है. यस. डिड यू एवर हैव अ लेयर ऑफ फैट ओवर योर एब्स? नो, आई वाज वेरी स्किनी, आई हैड कमजोरी के एब्स. यस, दैट वाज माय इशू. तो मेरी बहुत ज्यादा लाइक मैं स्किनी फैट था. इफ यू नो द टर्म स्किनी फैट, आई डू, आई वाज स्किनी फैट एंड इट्स एन ऑक्सीमोरॉन ना, इट्स लाइक सेइंग समवन इज पुअर रिच. Right. Basically, I think मगर इस economy में it's actually become a thing. It's like saying you suck and you rock in the same sentence. Yeah, you suck right? and rock. That is very the true. The skinny fat. Skinny fat. मतलब अक्सर लोग पूछते हैं ये कि यार I'm how can I be skinny fat? You're under muscled and you've got a bit of fat lying there. Fat lying there. That was exactly my issue. तो मेरा तो बस विद टाइम बस मैं बहुत ट्रेन किया है abs. Like I can't tell you COVID में जो है ना ये जो मेरा दो के ज़्यादा ज़माना था उस वक्त बताओ मैं कौन सी क्या करता था. 10 मिनट की वीडियोज थी रशियन की, आई फॉरगॉट हिज नेम यार, उसका नाम क्या है, बट दिस रशियन ट्रेनर ही यूज्ड टू पोज हिट वर्कआउट्स एब्स के 10 मिनट के. वो मैंने कोई एक साल तक किए दिन में दो बार, एक साल तक, और मेरे एब्स नहीं आए, बट मेरे एब्स बन गए थे. इट्स जस्ट दैट मेरी क्योंकि उस वक्त वेट मेरा कम नहीं हुआ था तो वो सही नजर नहीं आ रहे थे. फिर जब मैंने एक साल और ट्रेनिंग की ना, अचानक से दे जस्ट गेम एंड आई डिडंट रियलाइज इट्स बिकॉज ऑल दैट हार्ड वर्क दैट आई वाज डूइंग इट वाज वर्किंग. बन तो रहे थे मगर बस क्योंकि फैट इतना उन्हें कवर कर रहा था तो कभी नजर नहीं आया. एंड देन अचानक से ही वॉज जस्ट सो वियर्ड, आई वाज लाइक ये कैसे हो गया, बिकॉज बीच में देना स्टॉप ट्रेनिंग था. ऑब्वियसली बंदा यार एक साल तक कर रहा है दो दो बार एंड नहीं आ रहे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट. हल्की सी बस एक लाइन आई थी बीच में. आप तो एक साल तक ट्वाइस अ वीक की बात कर रहे हैं ना, पीपल ट्रेन देम एवरी डे. नो नो, आई वाज डूइंग इट, सॉरी, ट्वाइस अ डे. ट्वाइस अ डे, एवरी डे, एवरी डे. फॉर हाउ लॉन्ग एग्जैक्टली? फॉर अ ईयर. वाओ. For a year, 11 months कह लें, चले 11 months, twice a day, 10-10 minute के workout. इस पे तो हम कहेंगे आपके abs को recovery नहीं मिली. Muscle grows when you give it rest, right? 100% नहीं मिली. आप आते हैं muscle को तोड़ते फोड़ते जिनने, आप घर जाते हैं protein intake करते हैं and then while you sleep your muscle builds. Your muscle builds. I think probably that could also be a reason that मेरी diet उस पर इतनी अच्छी नहीं थी, इतना idea नहीं था. यही चीज़ें with time सीखता है बंदा. हर चीज़ में यही होता है कि आप जितना उसमें घुसेंगे ना उतनी आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि अच्छा इसमें ये भी होता है, ये भी होता है. ये माइंड मसल कनेक्शन की लोग बहुत बातें करते हैं. Have you got something to say about that? Mind muscle connection, I think, is an actual real thing. अच्छा, like, हाँ, specially. ये कहते हैं यार, ये ब्रोज बोलते हैं, ये आपको तो बस सेट लगाने की टेक्निक आनी चाहिए, माइंड मसल कनेक्शन कुछ नहीं होता. 100% आई फील लाइक इट्स अ थिंग. एंड आपको खुद रियलाइज होगा आपकी, आई लाइक टू से फॉर व्यूअर, इफ यू वाचिंग दिस, कोई भी आपकी कोई फेवरेट एक्सरसाइज है ना, द नेक्स्ट टाइम यू डू इट एट द जिम, व्हाइल यू डूइंग इट क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू लाइक इमेजिन योर मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग. एंड आई नो इट्स गोना साउंड अ लिटिल वियर्ड बट इट एक्चुअली डज वर्क. अब मैं लैट पुल डाउन के साथ अक्सर मैं जब कर रहा था, मैं अपनी आंखें, आई क्लोज माई आइज एंड आई डू देम एंड आई कैन लिटरली आई फील लाइक फील द स्ट्रेच. सेम विद पुल अप्स, लाइक मुझे एक्टिवली फील होता है कि यार मेरा एक सर्टन पार्ट ऑफ माई बॉडी इज गेटिंग एक्टिवेटेड एंड वो ही सब वर्क हो रही है. तो ये मगर ऐसी चीज है, टेक्निक. जितनी आपकी अच्छी टेक्निक होगी ना उतना अच्छा आपका माइंड मसल कनेक्शन होगा. दिस आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड, मैं जितनी बैक एक्सरसाइज करता हूँ, बी एट अ फेस पुल, बी एट अ लैट पुल डाउन, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ. एंड आई हैव नोटिस दिस क्योंकि रिसेंटली मेरी वीडियोज बन रही होती है जब मैं लगा रहा होता हूँ, तो माई आईज आर वाइड शट, आई एम ट्राइंग टू फील द मसल. So I think this is a cue that really does work. It does work. It really works. It does. It helps you like focus because aapko literally aankhein band hoti hain and the only thing that you're thinking about is, you know, ki yaar ye main rep kar raha hu and like where is it, you know, how do I feel in my body, and you do then catch that feeling. Bahut sare log ye kehte hain ki hypertrophy is how much volume you do and how much weight you lift. Progressive overload ka jo maine in my 9th year lifting jo cheez seekhi hai, I think about 6 months ago, is rep quality. Once I've improved my rep quality, man, the mind muscle connection that I've developed, the amount of gains that I've seen in the past 6 months, I haven't seen before. It's ek podcast mein dekha tha ki ek tempo hai 4-2-2. Let's say aap bench press kar rahe ho aur aapne barbell uthaya, you're going to go 4 seconds down, 2 second ka pause, 2 second up. एंड उससे जो माइंड मसल कनेक्शन मुझे फील होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो हर सेट के एंड में आई डू अ डाउन सेट विद अ लाइटर वेट 4-2-2. आई हैव सीन यू डू इट एंड आई गो देयर एंड आई रियली फील द मसल. एक इसमें ये चीज़ होती है कि कभी कभी हम
नो मैटर हाउ गुड वी गेट, ईगो लिफ्ट हम करते हैं, अभी भी 100% अभी भी 100% सही रैप कभी कभी हमारे मैक्स वेट पे एट लेट से 8 रैप का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं आएगा. तो व्हाट आई ट्राई एंड डू इज कि आफ्टर आई हैव डन अ सेट ऑफ लेट्स से डंबल इनक्लाइन प्रेसेस, आई विल टेक अ सेट दैट्स रियल लाइट एंड आई विल गो ऑल द वे डाउन, रियली स्ट्रेच माय पेक्स एंड गो ऑल द वे अप. दिस टेम्प हैज रियली हेल्प मी बिल्ड दैट माय मसल्स. क्वालिटी ऑफ रैप, द फैक्ट दैट यू मेंशन, आई थिंक मेरा the example I like to give for this is with pull ups. What I've noticed is ki jab main tez karta hu na to in one set I can get like maybe 22-25, but as soon as I decrease the tempo na aram aram se main 11 pe I'm out like 11. To quality of rep, yes it matters a lot. 100% eccentric control karna, aram se bilkul weight ko karna jitna aap karenge, you know it's going to be beneficial for you. Maine to in fact dips pe, pull ups pe additional weight use karna chhod diya. I don't use assisted weight anymore. Achha, I just slow down the eccentric for days, man. Bas aram aram se. And lat growth mein to it has shown that the more you stretch your lats, the more they'll grow. Uska to game hi pura stretch hai. जितना आप लैट्स को खींचेंगे, जितना मैक्स चेंज ऑफ मोशन. यार इस स्क्वाट्स की बात हो रही थी, एक और बहुत मसला जो है हाफ रेप्स. हम तो क्वालिटी ऑफ रेप्स की बात कर रहे हैं यार, यहाँ तो लोग हाफ रेप ही पूरा नहीं कर रहे हैं. आप पुलअप्स का देखेंगे वो यहाँ तक जाएंगे फिर ऊपर, ये वन होगा उनके लिए, ये वन. लाइक यू नो पीपल डोंट रियलाइज यू नीड टू लेट लूज, लाइक बिल्कुल जो आप ढीला छोड़ रहे हैं ना खुद को कम्प्लीटली एंड देन ऊपर जा रहे हैं, दैट्स द फुल रेप. एंड मैंने ये भी देखा है जर्क्स, पीपल टेंड टू रो द पुल डाउन एज अपोज टू पुल इट डाउन. नीचे खींचते वो पीछे पीछे बिल्कुल लेट जाते हैं. हाँ, लेट जाते हैं लगाते हुए. को लिफ्ट है एंड इंजरीज को लिफ्ट है बिकॉज़ यू पुटिंग योर लोअर बैक इनटू स्टफ ऑब्वियसली. डेडलिफ्ट की तुमने बात की थी यार, डेडलिफ्ट पे अली बहुत सारे लोग कहते हैं कि माय लोअर बैक हर्ट्स एंड आई हैव टोल्ड पीपल दैट इट्स अ लोअर बैक एक्सरसाइज. ओके, तो थोड़ा सा तो आपको फील आएगा यार लोअर बैक का. ये डेडलिफ्ट आई सी इज वन ऑफ द मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज, उसकी बहुत क्यूज होती हैं. मुझे भी अभी सीखने को मिल रही हैं क्यूज एंड मेरी भी डेडलिफ्ट अगेन वॉज एट फॉल्ट, सही नहीं थी. अब जाके मैंने काफी हद तक. Were you rounding your back? No, not rounding the back, but my cues were just a bit off. Like cues होते हैं उसके. Once you master the cues, a lot of people need to what they need to realize with deadlifts is कि आपके हाथ जो है ना वो भूल जाए आप, उनका काम ही नहीं है, सारा गेम लेग्स है. Your hands are just like आप एक रस्सी से जो है ना बांध रहे खुद को रॉड पे, मगर जो जान है ना वो टांगों की यूज होगी. जो पुश करेंगे वो टांगों से करेंगे आप. तो डेडलिफ्ट इज अ पुशिंग मूवमेंट टू स्टार्ट विद. यू पुश द फ्लोर अवे विद योर लेग्स. यस, इट इज अ पुशिंग मूवमेंट टू स्टार्ट विद. अच्छा, फॉर अ सेकंड आई थॉट मैंने कंफ्यूज हो गया था. इट इज अ पुशिंग मूवमेंट. योर हैंड्स आर जस्ट लाइक अगेन वो रस्सी है, बस एक आपने रस्सी से बांध लिया खुद को, मगर अब आप जो पुल करेंगे ना is your legs. आपका जो हैमस्ट्रिंग से इनिशियल पुश इनिशिएट होता है, दैट इज हाउ डेडलिफ्ट स्टार्ट्स. इट्स नॉट अ बैक मूवमेंट टू स्टार्ट विद. इट्स नॉट अ बैक मूवमेंट. बैक का बस वो बीच में थोड़ा सा रोल आएगा कि यस व्हेन यू आर लिफ्टिंग इट अप, जब टांगों ने पूरा सपोर्ट दे दिया होगा, फिर आप बस इसको परफेक्ट कर लेंगे विद योर हैंड्स. बट मेनली एंड ये लोगों को नहीं रियलाइज होता, हमें लगता है कि बस हाथों से करना है हमें, इसीलिए फिर उनकी बैक राउंड हो जाती है एंड देन ऑल ऑफ द फॉल्ट्स हैपन एंड देन. तो अरे 4 साल हो गए जिम जाते हुए, कोई और काम तो नहीं करते होगे, बस जिम विम करते होगे, घर जाते होगे, सोते होगे? नहीं. अच्छा, सो दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू. दैट्स माय वे ऑफ आस्किंग यू व्हाट डू यू डू. अ लॉट ऑफ पीपल डू थिंक दैट, बट नहीं, मेरा फैमिली बिजनेस है तो आई गो देयर 3 times a week एंड देन घर से ही मैं, बिकॉज मैं कंप्यूटर से मेरा ज़्यादातर काम होता है एंड मार्केटिंग देख रहा हूँ मैं, जैसे मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, बिजनेस की भी कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाट आई डू. अ लॉट ऑफ पीपल हमारे पास क्वेरीज आती हैं, ये कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं. बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं फिटनेस तो करना चाहता हूँ. ये तो आई फील लाइक कि बहुत रेयर केस होता है कि वेयर दे डोंट हैव टाइम. आई फील लाइक कि 9 out of 10 पीपल डू हैव टाइम, इट्स जस्ट दैट दे डोंट वांट टू मेक टाइम. लाइक वो दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे आई रेयरली सी पीपल लाइक एक्चुअली मैनेज द टाइम. यहाँ पे तो यू नो दिस फनी सेइंग कि कराची का टाइम होता है लाइक कोई कहेगा आपको ओ यू नो 5 बजे मिलता है एंड देन दिल मीट यू एट 8. Like this is something that's very common. So you know, time management is very necessary. Punctual. Yeah, people aren't punctual. वो delay होता जाता है. Obviously उसके में भी और मसले हैं. So you can't even blame them. Traffic हो जाता है. You know, हजार चीजें हो जाती हैं. Rush hour होता है. But I feel like कि अगर कोई actually करना चाहता है ना यार, आप कौन कह रहा है आप हफ्ते में 6 दिन करो? आप 3 दिन कर लो. भाई बंदे ने 2 किलो के dumbbell से 3 महीने में अपनी physique बना ली है. बस
दैट इज ऑल यू नीड. मैं बता रहा हूँ ना, आपको डॉग चाहिए, वो एक कुत्ता चाहिए आपके अंदर जो कॉन्स्टेंटली भौंक रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, करो करो करो. जेनेटिक फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, ये मैंने सुना है. 100% द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरा ख्याल है ना आपकी मसल बेलीज हैं ना आपके इंसर्शंस हैं. द बिगेस्ट जेनेटिक फैक्टर आई हैव सीन दैट प्लेज अ रोल इन बॉडी बिल्डिंग एंड बिल्डिंग अ गुड फिजिक इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. कुछ लोग होते हैं यार, दे ब्लडी लव लिफ्टिंग. उनको जिम में आप सेट लगाते हुए देखो, उनकी कोई उनका पुश ही कुछ और होगा, उनकी खुशी कोई और होगी. एंड दे गोना पुश टू द लिमिट. वो रैप लगाएगा जहां आपको शक होगा ये पता नहीं बार उठेगा नहीं उठेगा, उठाने के बाद वो चार और ऐसे लगाएगा. आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल डू दैट एंड यू आर वन ऑफ देम मैन. थैंक यू. स्टोरी मैं सुनाता चलूँ कि मैं ट्राइफिट गया था एंड दिस इज हाउ आई फाउंड यू. यू आर वर्किंग आउट एंड आई रिमेंबर मेकिंग वीडियोज ऑफ यू. आई जनरली डोंट मेक वीडियोज ऑफ बॉयज वर्किंग आउट फॉर माई ओन एंटरटेनमेंट. नहीं है तो आई मेड अ वीडियो ऑफ यू एंड आई शेयर्ड इट ऑन माई इंस्टाग्राम. आई डिडंट नो हु यू वर. मैंने आई रिमेंबर तुमसे इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हारा पूछा एंड यू गेव मी अ हैंडल जिसपे इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे. पर्सनल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था. तो मैंने शेयर किया कि यार फॉलो दिस गाय एंड स्टफ एंड लेटर आई फाउंड आउट मैन दैट यूर आयरन गियर्स मॉडल. यार मेरा बस when you came to the gym na, like bahut kam log hote the ki vibe, you know, wo vibe attracts a tribe, pata nahi koi code hai, magar aapki is that your vibe was so like contagious. I was like, yaar this guy, look at him just having the time of his life working out. When aapki main stock bhi baat nahi kiya tha, I saw your run and me and my friend were talking about, I was like, yaar ye koi aur bhage na is tarah, like aapki jo jumma run hai, obviously all the viewers know, main kaha koi aur bhi bhagega wo pagal lagega. This is the only guy in the whole world who can pull this off in a kurta salwar गर्मी में शेड्स पहन के भाग रहा है एंड यू नो ही इज किलिंग इट. गाइस यू हैव टू कन्विंस अली टू डू अ जुम्मा रन विद मी. यार एक एक जुम्मा ना यार, ये इस तरह से ना देखते हैं, अगर बोलेगी पब्लिक तो फिर कुर्ता सलवार कमीज भागना पड़ेगा. गाइस यू गॉट टू कमेंट डाउन बिलो, अली हैज टू डू द जुम्मा. अच्छा अली मुझे ये बताओ कि नाउ यू आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर. यार ये क्या होता है? यार यू नो दिस इज सच अ वियर्ड टर्म टू मी. वैसे लाइक जिमफ्लुएंसर भी कुछ कहते हैं. अच्छा इसके तीन चार टर्म्स आ गए, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जिमफ्लुएंसर. आई थिंक इट कम्स टू द पॉइंट के बस यार मेरी अब आई फील लाइक एक ऑडियंस बन गई है एंड यू नो इतने लोगों को शौक होता है फॉलोइंग होने का, यू नो, बट दे नीड टू रियलाइज दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिकॉज अब दिस मीन्स कि मेरे मुँह से जो निकलेगा वो इतने लोग सुन रहे हैं, तो मैं गलती से भी कुछ बोल दूँ, अल्लाह ना करे गलती से कोई और कोई गलती कर दे, दैट्स ऑन मी. So it's just that it comes with a big responsibility. I know that I have to be even more careful now about the things that I promote, about the things that I say. And ye bahut logo ko, you know, realizing to mazak masti mein keh rahe hote hain, bas you know following chahiye. Research karte ho? Bilkul karta hu. I'm very up to date with everything that I do and say, because I know like ab to ek bar ek audience mil gayi to aur ab you know I need to make sure I know what I'm saying before I say it. Aksar hum logon ke paas n equals to 1 yani ki ek bande ka total example hota hai aur aksar log मुझसे कोई आके अगर पूछेगा कि यार बेस्ट डाइट कौन सी है, तो जो मैं जो कर रहा हूँ यूजुअली मैं वही बता दूंगा, भाई ये बेस्ट है बिकॉज इसने मुझे रिजल्ट्स दिए. वेयर एज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट नीड्स एग्जैक्टली. तो इसमें फॉर एग्जांपल यू वर ऑलवेज स्किनी, इफ दिस गाय हु हैज़ अ लॉट ऑफ बॉडी वेट टू लूज ही कम्स टू यू और वो पूछता है कि यार मुझे एब्स चाहिए, हाँ. तो उसका आई एम श्योर जर्नी जो है बहुत डिफरेंट होगी इन कंपेरिजन टू जो आपकी थी. 100%. तो Do you research and find out how you can help these people out? अच्छा तो yes, I have done my research and again वही point पर आता है कि यार it's not that complicated. You know बहुत आसान है fitness, मैं आपको बता नहीं सकता ये बस. अब अच्छा मैं एक example दूंगा आपको. आप मुझे एक बात बताएं, हमारी दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, AI आ चुका है, सही है? क्या पता मेरी ब्लैक ईगो आ जाए मेरे घर के पास after I say this, but स्किन केयर इंडस्ट्री जो है, आप मुझे कह रहे हैं जो आपके मुंह पे पिंपल आते हैं अब तक उसकी कोई क्रीम नहीं आई दैट कैन फिक्स इट. एंड कहाँ तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, क्यों नहीं आई है? इट्स बिकॉज अगर कोई हल आ गया एक्नी का, स्किन केयर इंडस्ट्री का क्या होगा? व्हाट्स गोना हैपन टू द हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स गर्ल्स एंड गाइज ऑल दीज पीपल पे फॉर फेस वॉशेस, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, सीरम्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, तो इंडस्ट्री भी कलेप्स हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई आई फील लाइक न्यूट्रिशनिस्ट एंड पर्सनल ट्रेनर्स, ये लोग सारे ऐसे नहीं होते ऑब्वियसली, बट आई फील लाइक कुछ ऐसे होते हैं वो इतनी ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को कि यार आगे वाला बंदा बोलेगा यू नो
मैं क्या करूँ उसके बगैर, डिपेंडेंस है मेरी तो आई नीड दिस गाय. दैट्स नॉट द केस. इतना कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा जैसे समवन्स ओवरवेट, व्हाट आई वुड पर्सनली से टू हिम, अच्छा मेक चेंजेस. यू नो इट्स नॉट इवन अबाउट गोइंग टू द जिम, मेक चेंजेस इन योर डाइट. इतना फर्क आ जाएगा यार. आप सोडा पीना बंद कर दो, आप घर का खाना खाओ. आप अच्छा आप कराची में आता, मैंने नोटिस किया फूड पांडा के राइडर्स आपको कितने नजर आते होंगे, बहुत कितने आते होंगे. एंड वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, जंक. इज बिकॉज कंजप्शन ऑफ जंक हैज इंक्रीज सो मच इन पाकिस्तान. आई फील लाइक हम बिल्कुल यूएस वाले पाथ पे जा रहे हैं. थोड़े टाइम में ओबेसिटी इज गोना बी कॉमन हियर एज वेल, बिकॉज इट्स जस्ट इट्स बिकम सो एक्सेसिबल. एंड इट्स नेवर अबाउट यार इफ यू आर ओवरवेट गोइंग टू द जिम, यस इट्स गोना हेल्प यू, बट जस्ट मेक बेसिक चेंजेस मैन. जस्ट लाइक यू नो स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट ईटिंग लेस, स्टार्ट ईटिंग गुड. You know, उसी से इतना फर्क आ जाएगा. जिम जाएंगे इज गोना बी चेरी ऑन द टॉप. जिम जाए आप उसके बाद यू नो आहिस्ता आहिस्ता कार्डियो करें. अच्छा एक और चीज़ गलती जो बहुत लोग करते हैं, पागल हो जाते हैं, खाना ही छोड़ देंगे. ये भी अच्छा नहीं है बिकॉज इससे आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, आपको और मसले होंगे. तो यू नो हर चीज़ का एक सिस्टम एंड देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो व्हाट आई टेल पीपल हु आर ऑब्वियसली ओवरवेट इज यू नो मेक चेंजेस, अपनी डाइट में चेंज करें, खाना सही खाएं. उसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता यू नो स्पोर्ट्स. कुछ लोग कहते हैं यार अली भाई कार्डियो सो बोल रहे हैं, यू नो मुझे नहीं पसंद. आपको जो पता है यार स्पोर्ट्स कर लें, आप कोई फाइंड अ स्पोर्ट, स्टार्ट यू नो प्लेइंग बैडमिंटन मे बी, एक्सलेंट फॉर्म ऑफ कार्डियो यार. आई हैव सीन पीपल लूज सो मच वेट जस्ट थ्रू प्लेइंग बैडमिंटन एंड यू एंजॉय इट एज वेल. कंपेटिटिव स्पोर्ट है, मज़ा आता है. आप फुटबॉल खेल लें, आप क्रिकेट खेल लें, इतने ऑप्शन हैं. बात सारी बाबर भाई वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है कि जो करना चाहता है. अपना मसला ये है यार, अपना मसला ये है कि बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और शॉर्टकट्स मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है नहीं मिलते. एक बंदा होगा जिसने अपनी शादी के लिए 2 महीने में बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया होगा. ओके ठीक है, क्योंकि उसको करना था और वो उस वक्त मोटिवेटेड था और उस वक्त उसने फाके भी कर लिए, उस वक्त उसने रोज 2 घंटे का कार्डियो भी कर लिया. क्योंकि अब तो वतन में बात आ गई ना, अब तो मैंने अपनी शादी से पहले कम करना ही करना है ना वजन. बिल्कुल. अब उसको रिजल्ट मिल गया, उसको लगता है कि यार यही है, उसको लगता है यार यही तरीका है वजन कम करने का. इसी तरह लोग जिम में आते हैं और मुश्किल तरीन अपनी जिंदगी बना देंगे. ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे जिम में गुजारेंगे फैट लॉस के चक्कर में, मसल बिल्डिंग के चक्कर में. और जब क्विट करते हैं, आप पूछते हैं यार आपने क्यों क्विट किया, तो कहते हैं यार ये काम मुश्किल है. काम मुश्किल वो नहीं है, काम मुश्किल वो है जो आपने इसको अपने लिए बना दिया है. बिल्कुल 100%. तो इफ समबडी लेट्स से अ नॉर्मल पर्सन, 80 किलो का आदमी आजकल होता है, 5 फुट 10 इंच का, आपके पास आता है कि अली आई वॉन्ट गेट जैक्ट, मेरी वेस्ट 42 है, ठीक है मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ, मैं जिम हफ्ते में कितने दिन आऊँ, आप मुझे क्या कहेंगे? या आई'ड से इट, देखिए न्यूबी गेन्स इज अ थिंग, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट इट. न्यूबी गेन्स आई थिंक इनिशियल जो जैसे मैंने एक और वन अदर मिस्टेक दैट आई मेड वाज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ ब्रो स्प्लिट पे था. सही. एंड दैट ऑल्सो सेट मी बैक थोड़ा. बिकॉज न्यूबी गेन्स क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट इनिशियली वर्किंग आउट, आपका एक बूस्ट होता है, यू गेन मसल वेरी क्विकली द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड देन उसके बाद वो फिर नॉर्मल पेस पे आ जाता है. तो टू मैक्सिमाइज न्यूबी गेन्स, अगर इफ यू फॉलो रूटीन लाइक पुश पुल लेग्स और अपर लोअर, उससे क्या होता है कि यू आर हिटिंग योर ईच मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक. तो दैट मैक्सिमाइजेज योर ग्रोथ. ब्रो स्प्लिट क्या है, अगर ईच हिट ईच मसल ग्रुप वंस अ वीक, वो तो अगेन ब्रो स्प्लिट में फॉल्ट ये है कि यू आर हिटिंग लेग्स वंस, एंड वो तो सिन है, गुना है. कह रहा हूँ उससे बड़ा फिटनेस में गुना नहीं है हिटिंग लेग्स वंस अ वीक. स्किप की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो उसके बारे में छोड़ ही ना. इवन हिटिंग इट वंस इज लाइक अ सिन, ट्वाइस तो मैंडेटरी है. Ali's advice of the day is hitting legs once a week is a sin. Is a sin. Newbie gains पे मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जितना muscle एक newbie gain करेगा अगले एक साल में मैं नहीं कर सकता. नहीं कर सकते बिल्कुल. ठीक है. And the muscle that he's gonna gain, वो जाए जो मर्जी कर ले, वो bro split कर ले. He can have the worst split in the world. And he'll still gain quick. And as long as he's consistent, he's going to put on more muscle than I can ever put on with the best routine. 100%. And the best nutrition and the best recovery. Bilkul facts. Jo mujhe milegi. Bilkul facts. And us muscle ko maintain karne ke liye, kitna aapko mehnat karni padegi? Wo ye kehte hai ki 1/9 of the effort jo aapne dala hai muscle gain karne mein, that is what it takes to maintain it for the rest of your life. To ek normal aadmi, ek saal ka workout karke, hafte mein 2 din, workout continue kare, I think you can have an excellent physique. 100%. I mean, you're not going to stand on a bodybuilding stage. Yeah, but nahi, you can. You're going to have an awesome physique. You look fit. You look fit. Itna complicated nahi hai. And also, I feel like main you know, main kabhi isko aise, aksar main sochta hoon aise, ki you know, zindagi bhar main aisa lagunga, like, you know, isko, because obviously, if you stop lifting weights for a month, you know, setback aate hai, you're going to lose weight.
मगर मेरा यहाँ कि आई लव इट सो मच कि आई कॉन्ट इमेजिन नॉट डूइंग इट. लाइक आई नो कि इवन इफ लाइक माई वर्क लाइफ गेट्स मोर इंटेंस, जो भी हो जाएगा मैं किसी ना किसी तरह ये कर रहा हूँ बिकॉज मेरी मेंटल सैनिटी इसके बगैर है ही नहीं. लाइक ये बस एक मेरी, मुझे पता है एक सेफ स्पेस है मेरी कि मैं यहाँ जाता हूँ, इट्स अ सेफ स्पेस फॉर मी. आई गो देयर, आई वर्कआउट, आई मीट माई फ्रेंड्स, वी टॉक, यू नो, वी सोशलाइज. कोई ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि कुछ कोई जॉब या कोई गन पॉइंट में मुझे करवा रहा है. आई जेन्युइनली एंजॉयड एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट. लाइक आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 4 years एंड बीच में थोड़ा सा बीच में ऐसे पैच आया था बट थिंग्स गॉट बोरिंग फॉर मी, तो मैंने प्रोग्राम चेंज कर दिया, एक्सरसाइजेस बदल ली, कैलिस्थेनिक्स पे थोड़ा अपना फोकस कर रहा हूँ. सो यू नो देयर इज ऑलवेज थिंग्स दैट यू कैन डू. अगेन वही बात, करना चाहोगे तो करोगे. सोशल एस्पेक्ट की मैं काफ़ी दफ़ा बात करता हूँ कि यार जिम इज एक्चुअली अ टाइम दैट यू आर सपोज टू गो एंड हैव फन. बहुत सारे लोग इसको एज अ जॉब लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको एज अ टॉर्चर चेम्बर लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको, एंड देर आर वेरियस वेज द पीपल अप्रोच दिस. मेरा हमेशा ये होता है यार मेरे तो सारे दोस्त जिम में ही हैं, एंड इफ यू कैन हैव अ फ्रेंड दैट गोज विथ यू, इफ यू कैन हैव अ ट्रेनिंग पार्टनर, गो सोशलाइज विथ हिम, स्पेंड दैट टाइम. और यही टाइम लोग गुजारते हैं, इन जनरल लोग गुजारते हैं, यू नो, रोज शाम की रूटीन किसी ना किसी की कहीं ना कहीं जरूर होती है. 100%. तो व्हाट वुड यू से टू पीपल जो के नए हैं, दे गो टू द जिम एंड दे फील के यार आई एम बीइंग जज्ड. यार ये होता है बहुत, बताऊँ मेरे साथ हुआ था कि याद है मैं आपको बताता, कोविड के टाइम में बीच में जब मैंने इनिशियली ज्वाइन, अच्छा पहले मैंने एक प्राइवेट जिम गया था मैं, इट वाज अ वेरी नाइस जिम, आई वोंट टेक द नेम. तो वहाँ जब मैं गया था मैं 2 kg के डंबल उठाया, मुझसे यार उठे और मुझसे कोई 2 रेप हुए एंड देन मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया एंड देन आई जस्ट फेल्ट लाइक, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कोई देख रहा होगा, मगर एक एम्बैरेसमेंट फील हुई यार कि ये सबसे कमज़ोर वेट है, ये क्या है. वहाँ पे लोग मुझे नजर आ रहे हैं 30-30 kg कर रहे हैं, 40-40 कर रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग. तो उसका मैं खैर उस जिम से निकला, आई कैंसल्ड माय मेंबरशिप एंड देन आई जॉइंड, मेरे क्लब का जिम था वहीं पर मैं जाना शुरू किया. तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई फील लाइक, अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ जो है ना मेरा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल में भी ओपिनियन है. सही है. जो भी मैं अपने कोई, जैसे मेरा दोस्त या कोई आके मुझसे पूछता है कि यू नो शुड वी हैव अ जिम पार्टनर या जिम ब्रो होता है, जिम गर्ल, मैं तो मना करता हूँ इनिशियली. मैं कहता हूँ पहले 1 साल नहीं करो बिकॉज आई फील लाइक डिपेंडेंस पैदा हो जाती है फिर. अक्सर क्या होता है फिर कि दूसरा बंदा अगर नहीं जाएगा तो आपका दिल नहीं करेगा जाने का, विच इज़ बैड. डिपेंडेंस जस्ट द इनिशियल पीरियड, आई फील लाइक फर्स्ट 6 months गो अलोन, गेट यूज टू इट गोइंग अलोन, फिर ताकि उसके बाद फिर आपका कोई जिम ब्रो आएगा, फिर यू विल हैव मोर फन बिकॉज़ आपको चीजों का पता भी होगा. नॉट दैट आई वॉन्ट टू डिबेट यू ऑन दिस, बट आई एक्चुअली टेल पीपल टू फाइंड समवन टू गो विद. उसके पीछे रीजन मेरा ये होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, लेकिन इफ देयर इज समवन एल्स वेटिंग फॉर यू फिर आप चले जाएंगे. मगर फिर उल्टा भी, अच्छा मैंने पता नहीं फॉर सम रीजन मोस्ट केसेस में देखा है उल्टा होता है. हाँ. कि देन इफ वन पर्सन, सर आई थिंक आई गेस वी आर बोथ राइट इन दिस बिकॉज दो सिनेरियोस है, एक है मे बी हु इज गोना पुश देम मोर एंड एक है जो फिर नहीं पुश करेगा तो दूसरा भी हल्का हो जाएगा. बट द जिम कम्युनिटी अली, मैंने लोगों को अक्सर वही कहता हूँ कि यार मस्जिद में भी लोग अपने फिरके अलग करके बैठ जाते हैं, द जिम इज अ प्लेस जो कि ऐसी पाक साफ है, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू नो मैटर आपका क्या, आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस्ड हैं, आपको हेल्प चाहिए, आपको स्पॉट चाहिए, आपको अपना सेट रिकॉर्ड करना है, एवरीवनस रेडी, एवरीवनस रेडी एंड नो वनस जजिंग. जो लोग नए नए जिम जाते हैं वो सोचते हैं यार मैं ये वेट लगाऊंगा लोग देखेंगे, यार सब एक तो अपने आप को देख रहे हैं. बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोई नहीं देख रहा, If you need someone, they're always there to help. मैं तो जिम कम्युनिटी ये देखा है कि it's one of the best communities. 100% नहीं, I agree with you. But it's beautiful, यार. And this is world over, man. Not just Pakistan. Any gym I've gone to, world over. Because सब respect करते हैं एक दूसरे को. सबको पता है कि आसान नहीं है. जो भी जिम जाता है, सब पता है this is not easy. Because consistency के point से easy नहीं है. हाँ. वैसे तो आसान है. But just the main issue is going every day again and again and again, doing the same thing. Again and again and again. वो बस एक जो है ना उसका aspect थोड़ा मुश्किल कर देता है. But because सबको पता है यार कि जो बंदा इधर आ रहा है, you know, वो कुछ अच्छा करना चाह रहा है अपने लिए. He's making a change for himself. You know, बहुत अच्छी चीज़ है यार fitness. Like इससे बेहतर कुछ है नहीं. And consistency is key. अगर आपके पास best workout in the world है और आप consistent नहीं है, उससे बेहतर आपके पास worst program in the world हो और आप consistent हो, then you're gonna make better gains. 100%. Ali, you have become an inspiration for so many people. Not only in Pakistan, but around the globe, yeah. Must feel insane, doesn't it? Yeah, yeah, definitely it does feel good, but also I feel like, isliye, I have my siblings who keep me grounded kafi, I have my friends, and main jo hai na, hamesha, in cheezon ko bilkul arms length se hamesha maine dekha hai. So that way, like, a lot of people think, you know,
थिंग्स माइट गेट टू योर हेड या यू नो तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया होगा, मगर मैंने हमेशा लाइक बीन सुपर केयरफुल होता है. नहीं यार, आप जितने हम्बल हैं वो हमने आज देख लिया. एंड नहीं, लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो हाउ टू बिकम लाइक यू. व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वुड गिव टू देम? अच्छा, द एडवाइस दैट आई वुड गिव टू देम वुड बी कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी काइंड टू योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज वन मिस्टेक दैट आई डिड इनिशियली. When मैंने स्टार्ट किया तो आई वॉज वेरी हार्श विद माई सेल्फ. आई डिड नॉट लाइक हाउ आई लुक. एंड यू नो, देखे हाउ यू लुक इज समटाइम्स नॉट इन योर हैंड्स, बट वट इज इन योर हैंड्स इज यू नो क्या आप कर सकते हैं. तो सेकेंड एडवाइस आई सी जस्ट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. बहुत सिंपल है यार, लाइक इतना नहीं है कॉम्प्लिकेटेड. एंड ज़्यादा लोगों से एडवाइस भी नहीं लें, क्योंकि जितने आप लोगों से ओपिनियंस लेते हैं उतना चीज़ ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं. तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, बी काइंड टू योर सेल्फ. जंक अवॉइड करें, सोडा अवॉइड करें, यू नो बेसिक्स से आए तो मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए. एंड दैट्स अबाउट इट. जस्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट ऑब्वियसली, यू नो लॉन्ग टर्म देखें. भूल जाए एक महीने, दो महीने, तीन महीने, स्नैप्स नहीं ले जिम जाते. अक्सर लोग करते हैं, आज जिम जा रहा हो, आप दिखा रहे हो, दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो. एक साल तो भूल जाओ, किसी को बताओ नहीं. मैं तो कह रहा हूँ, अलॉट ऑफ पीपल आई सी यार, वो पहले दिन जिम आएंगे बस फोटोशूट कर रहे हैं अपना. फोटोशूट भूल जाएँ, लोगों को बताना भूल जाएँ, चुपचाप करें. लेट योर रिजल्ट स्पीक फॉर यू. The only advice I can give. Guys, if you want Ali back on Alpha Talk, comment down below. We'll see you in the next episode, man.